नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको आर्मी भर्ती के पीछे के जो भी एग्ज़ाम लगते हैं या भविष्य में लगने वाले उनके पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस चैनल पे यदि आप नए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो पाए और प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुँच पाए। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी साथियों से निवेदन है, ये चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलो दोस्तों, बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आर्मी बेंगलोर पेपर है 2019 का, जो जीडी का पेपर लगाया अभी 24 नवंबर 2019 को, उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन करने वाले, यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न में यहाँ इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और आगे वीडियो दो वीडियो में और लाऊंगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस के भी करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रश्न तो आ चुके हैं, हमें प्रोवाइड किया है गोपाल चौधरी आरएलपी ने, हमें पेपर प्रोवाइड किया। तो थैंक यू गोपाल चौधरी आरएलपी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके हमें पेपर प्रोवाइड किया और मैंने ये पेपर टाइप करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप साथ साथ यदि आप भविष्य में पेपर देने वाले हैं तो इसका उत्तर भी सोचते रहिए, ताकि आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। चलो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या क्वेश्चन है? कुपवाड़ा किस राज्य में है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सोचिए पहले अपने दिमाग में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। को क्या होगा? जम्मू कश्मीर में है। कुपवाड़ा किस राज्य में है? वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो ये आप सबको पता ही होगा, अजंता की गुफाएं है वो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं है। दो नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। और आपको पता है 2 अक्टूबर उनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष, जो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत भी इसको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अभी, जो स्वच्छता मेन मुद्दा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं पीछे भी। मेक मोहन रेखा है वो भारत और किस को अलग करती है? चीन को अलग करती है। भारत और चीन को मेक मोहन रेखा अलग करती है, और भारत और पाक को रेड क्लिप रेखा अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता है, एक दो बार आर्मी में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, यूएनओ की स्थापना कब की गई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना थी वो 1945 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप भी जवाब देते हैं अपने, सोचते रहिए और फिर मिलाते रहिए कि आप सही दे रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति भी है। और आपको पता है भारत रत्न की शुरुआत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ में और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी आप दिमाग में सोचते रहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन और विद प्रूफ के साथ, या कहे उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अपनी मेहनत के लिए, या मान लो आपके लिए कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आर्मी की तैयारी करें उनको मैं फ्री में वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ यूट्यूब पर। तो इस मेहनत के लिए इतना काम तो आप ही कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस चैनल का। चलो अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, इसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना की थी? हाँ जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, ये सबको पता भी होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य से अलग होकर बना है? ये बना है मध्य प्रदेश यानी MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। और आपको पता है उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह या पृथ्वी का भगिनी कहे ये कौन है? ये शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और बात करें सबसे गर्म ग्रह तो वो भी कौन है?
शुक्र ही है। और जो हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो वो है बुध। ये आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा जानकारी में मैं दे रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखनी। और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, ये आपको नॉर्मल जानकारी में दे रहा हूँ, साथ साथ वो भी याद करते रहिए। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट आ सकता है आपके, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526। जी हाँ दोस्तों, ये तो लड़ाई तो इस सन को हुई थी। अब इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में एक ये करना है कि पानीपत की लड़ाई किन के बीच हुई और कौन उसमें विजयी हुआ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।